नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2022 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हमें 75 साल पूरे हो गए। पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस अवसर को मनाया। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के अलावा कई अन्य देश भी है जो 15 अगस्त को अपनी आजादी मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन भारत के साथ साथ 5 और देश को आजादी मिली थी। भारत के साथ साथ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कांगो, बहरीन और लिंकटेस्टाइन ने 15 अगस्त को आजादी हासिल की थी। भारत के अलावा साउथ कोरिया भी इस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पहले इस देश पर जापान का कब्जा था, मगर 15 अगस्त 1945 को यह देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1945 को साउथ कोरिया ने जापान से आजादी हासिल की। यूएस और सोवियत फोर्सेस ने कोरिया को जापान के कब्जे से बाहर निकाला था। इस दिन साउथ कोरिया के लोग नेशनल हॉलिडे के तौर पर मनाते हैं। साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे रहता है। ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। दक्षिण कोरियाई बैंड BTS या बैंगटन बॉयज का जादू आज पूरे दुनिया में चल रहा है। ये बैंड पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस बैंड को टाइम्स मैगजीन ने 25 मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सन के लिस्ट में रखा था। नॉर्थ कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता है। नॉर्थ कोरिया पहले जापान के कब्जे में था। नॉर्थ कोरिया को 15 अगस्त 1945 को जापान के कब्जे से आज़ादी मिली। नॉर्थ कोरिया 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे के तौर पर मनाता है। नेशनल हॉलिडे के कारण यहाँ छुट्टी होने की वजह से इस दिन शादी करने की परंपरा चल पड़ी है। गल्फ कंट्री बहरीन को भी 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी। यह देश पहले ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था। 1971 में बहरीन को आज़ादी मिली थी। हालांकि 1960 के दशक से ही ब्रिटिश आर्मी की बहरीन से वापसी हो गई थी, लेकिन 15 अगस्त को दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद बहरीन को आज़ाद देश के तौर पर ब्रिटेन के साथ अपने संबंध बनाए रखे। हालांकि 16 दिसंबर को बहरीन अपना नेशनल हॉलिडे मनाता है, जिस दिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा बहरीन के गद्दी पर काबिज हुए थे। एक देश है लिकटेस्टाइन। यह देश दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। यह देश भी 15 अगस्त 1866 को जर्मनी से आज़ाद हुआ था। वर्ष 1940 से ही 15 अगस्त को यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त 1960 को कांगो ने आज़ादी हासिल की। 15 अगस्त 1960 को अफ्रीका का यह देश कांगो फ्रांस के चंगुल से आज़ाद हुआ था। इसके बाद ये रिपब्लिक ऑफ कांगो बना। 1880 से ही कांगो पर फ्रांस का कब्जा था। आशा करता हूँ कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।